हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर को कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम अपने इन क्वेश्चन आंसर को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्लानिंग इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अ कंट्री लाइक इंडिया। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ टू रेलिवेंट पॉइंट्स एंड एन एग्जाम्पल। भारत जैसे देश में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए योजना के एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। इस कथन को आप दो प्रासंगिक बिंदुओं और एक उदाहरण से प्रमाणित करें। पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स कि भारत हमारा एक देश है जहाँ पर कि हम संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसकी योजना को बनाएं, और ये योजना एक रणनीति के रूप में तैयार होनी चाहिए, और इस कथन को आप प्रमाणित करें कि क्या ये कथन ठीक है, और इसके लिए आप एक उदाहरण और दो प्रासंगिक बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो आंसर होगा, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की निरंतर गुणवत्ता बनी रहे और उसके साथ साथ वैश्विक जो शांति है वो भी रहे, तो संसाधनों का समान वितरण आवश्यक हो जाता है। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। कि अगर हमारे आज के टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है रिसोर्सेज को के दोहन का, उसका बहुत ही बुरे तरीके से इस्तेमाल करने का, और ये किसके द्वारा हो रहा है, ये हो रहा है कुछ व्यक्ति के द्वारा या फिर कुछ कंट्रीज़ के द्वारा, तो इसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, इसकी वजह से जो हमारा प्लैनेट है वो बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगा। ना सिर्फ हमारा प्लैनेट खतरे में पड़ेगा बल्कि हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य तो पूरी तरह से ही नष्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से हमें एक अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी कि हमारे रिसोर्सेज का डिप्लेशन ना हो। Therefore, we need to conserve resources for the sustainable existence for all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. और इसी वजह से हमें अपनी जीवन के प्रत्येक हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए इन सभी रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत है, इनको सुरक्षित करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम अपने इन रिसोर्सेज को अभी अपना सुरक्षित करके रखते हैं तो हमें इस प्रकार से उन्हें सुरक्षित रखना होगा जिससे कि हमारा विकास भी होता रहे, और विकास होने के साथ साथ हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य भी खतरे में ना आए। तो हमें आज के विकास की अंधे दौड़ में शामिल ना होते हुए इस तरीके से अपना विकास करना चाहिए कि हम इन संसाधनों का उपयोग भी कर सकें और उसके साथ साथ इन्हें सुरक्षित भी कर सकें और इन्हें अपनी भावी पीढ़ियों के लिए बचा सकें। एग्जाम्पल्स के तौर पर सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक वाटर, कोल, पेट्रोलियम आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर हम किन की बात करेंगे, कौन से रिसोर्सेज की, कि जैसे वाटर है, कोल है, पेट्रोलियम है, तो ये जो संसाधन है ये बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, हमारी लिमिटेड क्वांटिटी में हमारी धरती पर मौजूद है। दीज रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग फास्ट, और ये रिसोर्सेज जो है बहुत तेज़ी के साथ इनको ख़त्म किया जा रहा है। सो वी नीड टू प्लान द ज्यूडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और इसीलिए हमें इन रिसोर्सेज को ज़रूरत है कि इसको हम यूज़ करें एक बहुत ही अच्छे प्लान के साथ, और इसके लिए दुनिया के लोगों को, कंट्रीज़ को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये रिसोर्सेज इस धरती से ख़त्म हो जाते हैं तो हम तो जीवन जी लेंगे लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन बहुत ही नश्वर हो जाएगा इनके बगैर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द लैंड बी सेव्ड फ्रॉम डिग्रेडेशन, की जो धरती है उसको किस प्रकार से सेव किया जा सकता है निम्नीकरण से कि उसका डिग्रेडेशन ना हो। तो आंसर है, नंबर 1 पॉइंट है, आफ्टर डिफॉरेस्टेशंस
एफोरेस्टेशंस कैन बी डन इन द बीन ऑप्शन फॉर सेव अवर अर्थ, कि जब भी हम वनों की कटाई करते हैं तो उसके साथ साथ हमें पेड़ों को लगाना भी चाहिए, और ये जो है एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हमारी धरती को बचाने के लिए। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी धरती के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें फल फ्रूट सब्जियां खाने को नहीं मिलेंगी, और साथ ही सबसे बड़ा काम है कि पेड़ हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, ऑक्सीजन हमें भरपूर मात्रा में मिलती है, और बिना ऑक्सीजन के इस धरती पर जीवन संभव ही नहीं है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स की जब भी हम वनों की कटाई करते हैं उसके साथ साथ हमें पेड़ों को ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो इनकी जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। तीसरे, ये वर्षा चक्र को भी संतुलित रखता है, और मिट्टी को अपने जड़ों से पकड़ने के कारण जब तेज़ बारिश आती है तो वो मिट्टी को बहने से रोकती है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये हमारी धरती को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग शुड बी डन, कि प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, जो चरागाह होते हैं चराई के योग्य भूमि होती है उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट हो। दिस इज़ अ मेजर रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है लैंड की डिग्रेडेशन के लिए, क्योंकि जब जानवर बहुत ज़्यादा चराई करते हैं तो उससे क्या होता है कि मिट्टी घास के साथ बाहर आती है और वही भूमि के निम्नीकरण का एक मेन कारण बनती है। तो इसी वजह से जो ग्रेजिंग है प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ उसको काम में लाना जाना चाहिए। अ शेल्टर बेल्ट इज डिफाइंड एज अ बैरियर ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर एंड स्टॉर्म एंड डिक्रीजेस इरोजन। शेल्टर्स बेल्ट्स कैन बी प्लांटेड टू सेव द लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन, कि जो शेल्टर बेल्ट होते हैं ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है, बहुत अच्छा विकल्प हो सकते हैं धरती को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए, क्योंकि ये एक बैरियर का काम करते हैं ट्रीज़ के लिए और झाड़ियों के लिए, और ये क्या करते हैं कि तेज़ हवाएं जब चलती हैं तूफान आते हैं तो उससे हमारी धरती को ख़राब होने से बचाते हैं। तो शेल्टर बेल्ट जो होते हैं वो एक बैरियर के रूप में काम करते हैं पेड़ों और झाड़ियों के लिए, इसलिए शेल्टर बेल्ट लगाए जाने चाहिए जिससे हमारे धरती का निम्नीकरण ना हो। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो है स्टेबिलाइजेशंस ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोविंग थोनी ब्रशेस आर सम ऑफ द मेथड टू चेक लैंड डिग्रेडेशन, कि जहाँ पर रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ लगा देनी चाहिए, और ये क्या करते हैं कि रेत के टीलों को ख़त्म होने से बचाते हैं, उनका क्षरण होने से बचाने का काम करती है, क्योंकि जब हवाएं चलती हैं तेज़ हवाएं चलती हैं तो जो रेत के टीले होते हैं इनमें से रेत उड़कर दूर दूर फैल चली जाती है, और जिसकी वजह से रेत के टीलों का खात्मा हो जाता है, और ये हमें धरती पर कई बार तो ऐसा होता है स्टूडेंट्स के रेगिस्तानी इलाकों में, अगर एक जगह रेत का टीला बना हुआ है तो तेज़ तूफान आने की वजह से वहाँ से रेत का टीला हट जाता है और किसी दूसरी जगह आपको फिर वो नज़र आता है, और वो छोटा या ज़्यादा आपको आकार में नज़र आता है। तो इस तरीके से जो रेत के टीले होते हैं उनको बचाया जा सकता है कटीली झाड़ियों के द्वारा। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्यूंट्स एंड वास्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्री एंड सबर्बन एरियाज, की एक प्रॉपर योजना होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास। जो हमारी फैक्ट्रीज होती है हमारे उद्योग होते हैं ये क्या करते हैं कि जब ये अपने यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो बहुत सारे केमिकल का यूज़ करते हैं, और इनके इसी कारण इनके पास जो है बहुत सारा ऐसा कचरा इकट्ठा हो जाता है, जैसे प्लास्टिक्स हो गया, केमिकल युक्त कोई चीज़ें हो गई, जिसको कि फिर ये क्या करते हैं कि वेस्ट करने के चक्कर में इसको ये किसी भी जगह ज़मीन पर डाल देते हैं, या इनके गंदे लिक्विड को ये पानी के अंदर बहा देते हैं, और जिसकी वजह से पानी का भी और भूमि का भी डिग्रेडेशन होता है, पानी जो है दूषित हो जाता है, जहरीला हो जाता है, और जिस जगह पर ये वेस्टेज डाला जाता है वो जगह भी बंजर बन जाती है धीरे धीरे। तो ये दूषित पानी होता है जब इससे मिट्टी में सिंचाई की जाती है या ये घरों तक आता है तो ये एक तो लोगों के बीच में बीमारियों को पैदा करता है, और दूसरे ये भूमि को भी उर्वरक क्षमता को कम करने का काम करता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर योजना होनी चाहिए कि वो ये निर्धारित करे कि इन फैक्ट्रीज से निकलने वाले कचरे को किस प्रकार से ख़त्म किया जाए।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इंडिया इज़ रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट डिफिशियंट इन सम अदर रिसोर्सेज, कि इंडिया जो है बहुत सारे स्टेट्स में बटा हुआ है और यहाँ पर कुछ स्टेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिच माने जाते हैं रिसोर्सेज के मामले में, लेकिन वहीं पर उनके पास किसी दूसरे टाइप के रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री है? सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स, आप अपने आंसर को देने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लीजिए। तो नंबर एक तो हम इस स्टेटमेंट से एग्री हैं क्योंकि इंडिया में जो स्टेट्स हैं कई स्टेट्स के पास तो कुछ रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में है, लेकिन वहीं पर किसी दूसरे रिसोर्सेज की भारी मात्रा में कमी देखने को हमें मिलती है। तो आंसर होगा रिसोर्सेज प्लानिंग इज नेसेसरी इन अ कंट्री लाइक इंडिया, कि इंडिया जैसी कंट्री में रिसोर्सेज की प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पर कि हमें बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की, कि यहाँ पर स्टेट्स जो हैं कुछ मामलों में रिच हैं और कुछ मामलों में ये बहुत ही उस दूसरे रिसोर्सेज के कमी से जूझ रहे होते हैं। देयर आर सम रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड सेल्फ सफिशियंट बट आर डिफिशियंट इन सम अदर वाइटल रिसोर्सेज, यहाँ पर कुछ हमारे स्टेट जो हैं वो ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिच माने जाते हैं किसी एक प्रकार के रिसोर्सेज में और बहुत ज़्यादा ये आत्मनिर्भर भी माने जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनके पास कुछ खनिज रिसोर्सेज के बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो एग्जांपल्स देंगे हम इसके, द स्टेट ऑफ झारखंड छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपोजिट्स, कि जो स्टेट्स हैं हमारे झारखंड छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश ये बहुत ज़्यादा रिच माने जाते हैं खनिज में और कोल डिपॉजिट्स में, यहाँ पर कोयला और खनिज लवण बहुत अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो तीनों ही स्टेट हैं इस मामलों में बहुत ही ज़्यादा अमीर माने जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंट वाटर रिसोर्स बट द लैक्स ऑफ इन डेवलपमेंट, की जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन जो बुनियादी ढांचे वाली जो विकास होता है डेवलपमेंट होता है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको बड़े बड़े उद्योग नहीं मिलेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इमारत नहीं मिलेंगी, बड़े बड़े मॉल्स शायद यहाँ पर आपको देखने को ना मिले, लेकिन ये वाटर रिसोर्सेज में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट माना जाता है। जो तीसरा हमारा एग्जाम्पल है वो है, द स्टेट ऑफ राजस्थान हैज़ इनफ सोलर एनर्जी एंड वाइन एनर्जी बट लैक्स वाटर रिसोर्सेज, की जो स्टेट राजस्थान है वहाँ पर हमें सोलर एनर्जी और वाइन एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में हमें यहाँ पर ये रिसोर्सेज के रूप में धनी माना जाता है, लेकिन यहीं पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। पानी के लिए यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और कई बार तो अपने पीने का पानी भी इन्हें बड़े दूर दूर से जाकर लाना पड़ता है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो है, लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, कि जो लद्दाख है ये बहुत ज़्यादा रिच माना जाता है अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए बट इज़ डिफिशियंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर कमी किस चीज़ की देखने को मिलती है? यहाँ पर कमी देखने को मिलती है वाटर रिसोर्सेज की और साथ ही बुनियादी ढांचे की और वाइटल मिनरल्स की। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल स्टेट रीजन्स एंड लोकल लेवल्स, और इसी वजह से यहाँ पर हमें रिसोर्सेज को बहुत अधिक मात्रा में प्लानिंग करने की ज़रूरत है और ये राष्ट्रीय स्टेट्स और रीजनल तौर पर लोकल लेवल पर भी ये किया जाना चाहिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। यहाँ पर सरकार को इस प्रकार से अपना रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी चाहिए कि जिस स्टेट में बहुत अधिक मात्रा में जो मिनरल्स पाए जाते हैं रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनका उपयोग दूसरे स्टेट कर सकें, और जहाँ पर जिस चीज़ की कमी होती है दूसरे स्टेट से वहाँ के लोगों को उस चीज़ की भरपाई की जा सके। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।